हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखते हैं बेटा कि जो कार्बन है उसका वर्साटाइल नेचर, और दूसरा टॉपिक एक और है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ के वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड ऑफ कार्बन, क्या कहा मैंने, एक कंपाउंड ऑफ कार्बन, एक कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक कंपाउंड बना हुआ है। कार्बन का कोई भी कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन के सिवा, कार्बन के साथ जो अदर एलिमेंट्स कंबाइन होते जो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मैंने बोला CH4, ठीक है। तो CH4 क्या होता है स्टूडेंट्स, मिथेन। तो इसमें कार्बन के साथ दूसरा कौन सा एलिमेंट का एटम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। कौन सा दूसरा एलिमेंट का एटम, हाइड्रोजन। सो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। इस तरीके से कार्बन के साथ ज्यादातर जो कंपाउंड बनाता है मिलके, वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, क्या बताया मैंने, केवल कार्बन और दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोकार्बन। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ये कार्बन कंपाउंड्स। सो द कंपाउंड ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ अदर कौन से एलिमेंट्स के एटम जुड़े हुए हैं, तो ज्यादातर जो कार्बन के साथ होता है जो कंपाउंड बनाता है वो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर बनाते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उन कंपाउंड्स को हम, हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं यहां पे लिख देती हूं C2H6। अब ये क्या है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन यही दोनों चीज है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन के अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन मिलके जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट भी आ सकते, ऑक्सीजन एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं। इसी तरीके से कई अदर एलिमेंट्स भी है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो इस तरीके से बेटा कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। सो कार्बन कंपाउंड्स है स्टूडेंट्स, सो कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, सॉरी क्या है यहाँ पे, कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब इनका जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। जैसे अगर हम देखेंगे मिथेन, मिथेन ठीक है, क्लोरोफॉर्म, सी क्लोरोफॉर्म, देन आप देखो इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड्स। सो ये कुछ मैंने क्या लिखा है, कोवलेंट्स कंपाउंड्स लिखे नाम बेटा। तो कोवलेंट्स कंपाउंड्स का कुछ कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका नेचर तो हमें मालूम है कि ये कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट, इनके बीच में बॉन्ड कोवलेंट बनते हैं, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। और इन कोवलेंट्स कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है बेटा, लेस। अब इसका रीजन क्या है, लो है, उसका रीजन ये है कि जितने भी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ये इनका रीजन ये है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है, क्या कार्बन, सो स्ट्रेंड्स कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स जो मैंने ये नाम लिखे थे, मिथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ठीक है,
इथनोइक एसिड, ये जितने भी मैंने कार्बन कंपाउंड्स के हैं, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. क्या बताया बेटा मैंने? बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूल्स, सो बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. इन्हीं के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कार्बन कंपाउंड्स का? वो है लो. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स इज लो, बिकॉज ऑफ देयर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज बेटा, जो अर्लियर टाइम में क्या सोचा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कहां मिलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा लिविंग थिंग्स के अंदर ही मिलेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग्स एनिमल्स हो या वो लिविंग थिंग्स क्या हो, प्लांट्स हो. सो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. बट आपने देखा होगा, अच्छा वो ये क्यों मानते थे? क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर ही क्या, कौन सी फोर्स लिविंग थिंग्स क्या क्रिएट करते हैं? वाइटल फोर्सेस. कौन सी फोर्स? वाइटल फोर्स. ठीक है, वाइटल फोर्स. सो लिविंग थिंग्स क्या क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स? वाइटल फोर्स होती है उन, इसी के कारण वहां पे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. लेकिन जो वाइटल फोर्स थ्योरी, जो वाइटल फोर्स थ्योरी है किसकी, कौन सी बेटा? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो डिसप्रूव कर दी थी कंपाउंड्स, ये क्या है, डिसप्रूव, गलत प्रूफ कर दी थी कोई उस साइंटिस्ट ने. साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रेडरिक मोलर, FREID, फ्रेडरिक मोलर. फ्रेडरिक मोलर ने स्टूडेंट्स 1828 में, फ्रेडरिक मोलर ने 1828 में कि लिविंग थिंग्स के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं. ठीक है, तो उस थ्योरी को इसने डिसप्रूव कर दिया था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग्स के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे. लिविंग थिंग्स के अलावा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्या बना सकते हैं? कार्बन कंपाउंड्स. सो उसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इसने क्या बनाया था बेटा लेबोरेटरी के अंदर? इस साइंटिस्ट ने यूरिया बनाया था. क्या बनाया था साइंटिस्ट ने? यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला क्या है? CONH2. ये बेटा यूरिया का फॉर्मूला. इसने क्या बनाया था? यूरिया बनाया था लैब के अंदर. फ्रेडरिक मोलर ने 1828 में यूरिया लेबोरेटरी के अंदर क्या बनाया? यूरिया. यूरिया किससे बनाया? फ्रॉम एमोनियम साइनेट, AMMONIUM, एमोनियम साइनेट. किससे बनाया था स्टूडेंट्स? एमोनियम साइनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है? NH4CNO, NH4CNO. ये किसका फॉर्मूला है? एमोनियम साइनेट. सो एमोनियम साइनेट से, ये एमोनियम साइनेट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. क्या नहीं है स्टूडेंट? एक ऑर्गेनिक. एमोनियम साइनेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. ये कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक. क्या है ये? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. सो यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो यूरिया पहले जो माना गया था कि केवल लिविंग थिंग्स के अंदर ही हो सकता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. सो यूरिया हमने देखा एनिमल्स के अंदर होता है, प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इसने लेबोरेटरी के अंदर एमोनियम साइनेट से क्या बना दिया था? यूरिया. तो इस थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर दिया? डिसप्रूव. और जो कार्बन कंपाउंड्स है वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं.
अच्छा एक अब हम पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरीज के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स हमारा जो न्यू अदर वर्ल्ड टॉपिक है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स है वो 5 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स बने हुए हैं एट प्रेजेंट हम जानते हैं 5 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा एक चीज और बताती हूँ अकेला कार्बन कार्बन अकेला इतने सारे मिलियन कंपाउंड्स बना रहा है अगर मैं बाकी एलिमेंट्स जो अदर एलिमेंट है कार्बन को छोड़ दो पीरियोडिक टेबल में आपने बहुत सारे एलिमेंट्स देख रखे हैं वो एलिमेंट्स मिलकर अगर उन सारे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड बनते हैं उनको टुगेदर मिला के भी बेटा कार्बन उनसे ज्यादा बना है कार्बन के ज्यादा क्या है कंपाउंड्स है। सो अगर आप इसे अब इसका रीजन क्या है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसका रीजन देखो तो इसमें क्वेश्चन ये आता है वर्सेटाइल नेचर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन वर्सेटाइल नेचर का वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स वर्सेटाइल मीन्स यूनिक नेचर क्या बताया मैंने वर्सेटाइल का मीन्स होता है स्टूडेंट्स यूनिक नेचर अब कार्बन में ऐसा क्या है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बना रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट्स अगर इकट्ठे भी उनके कंपाउंड्स बनके अगर हम उनको इकट्ठा करें तो उनसे ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स बना रहे हैं तो इसके दो रीजन है। सो कार्बन के इतने सारे कार्बन जो कंपाउंड्स बना रहे हैं वर्सेटाइल मीन्स मैंने बता दिया यूनिक अब इसके दो रीजन है एक तो है कैटिनेशन कैटिनेशन और दूसरा है जिसको बोलते हैं सेल्फ लिंकेज और दूसरा है इसका टेट्रावेलेंसी। ओके ये दो रीजन है जिसके कारण ये क्या बनाता है सो इसके क्या रीजन हो सकते हैं देखो यहां पे सो दो रीजन है इसका कैटिनेशन और दूसरा क्या है टेट्रा वैलेंसी सेल्फ लिंकेज बोल दो या सेल्फ लिंकिंग भी आप बोल सकते हो इसको सेल्फ लिंकिंग दोनों चीज में से कोई बोल रही हो। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कैटिनेशन तो इसको पॉइंट में टेट्रा वैलेंसी रब कर देती हूँ भाई तो देखो कैटिनेशन क्या होता है सेल्फ लिंकिंग और कैटिनेशन दोनों चीज एक ही है। कैटिनेशन के बहुत बार एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है इसकी लर्न कर लेना ओके एग्जाम में कई बार बोर्ड में आ चुकी है। देखो कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इन दोनों के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया अब ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ठीक है ये बॉन्ड बना गया तो इस तरीके से क्या बोला मैंने सेल्फ लिंकेज खुद के साथ क्या है एक कार्बन एटम्स कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग वन कार्बन एटम विद द अदर कार्बन एटम विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड ये बॉन्ड बिना ब्रेक किए एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ठीक है कार्बन के साथ मिलके और ये कार्बन अनदर कार्बन के साथ मिलकर क्या है एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेते हैं तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं हम व्हेन यू कैन से व्हेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म इन विच व्हेन वन कार्बन एटम कंबाइंड विद द अदर कार्बन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है याद रखो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड क्यों है क्योंकि इसके एक तो रीजन क्या है इसका स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम ये इसका वन रीजन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना ये ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पे एक कार्बन एटम सो कैटिनेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म इन विच वन कार्बन एटम कंबाइंस विद द अदर कार्बन एटम्स एंड मेक ए लॉन्ग चेन विदाउट ब्रेकिंग सो दिस सेल्फ यू कैन से सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी दिस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन अंडरस्टूड। अब देखो इसमें क्या था एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स है बेटा ठीक है ये जो कार्बन अब जो व्हेन वन कार्बन एटम कंबाइन विद अदर कार्बन एटम
थ्री टाइप्स की चेन बनती है बेटा, तीन टाइप की चेन बन सकती है। एक कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन होगा तो थ्री टाइप ऑफ चेन्स आर फॉर्म। जब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनती है, अब एक कार्बन यहां आ गया इसके साथ, अब एक कार्बन के साथ मैंने क्या बताया था, चार बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी है, चार वैलेंसी है। अगर मैं इसको वैलेंसी को आपने आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था कि वैलेंसी को कार्बन की अगर मैं कहती हूँ कि शो करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो कैसे शो करते हो आप? कार्बन के आउटर मोस्ट में फोर इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट के साथ ठीक रहेगा तो ये एक एलिमेंट उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके साथ, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है वो अदर किसी से, जैसे सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रखा है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे CH4 बेटा, तो एक कार्बन के पास और हाइड्रोजन फोर है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। इस हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक भी है यहाँ पे। अब क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया ना, वन पेयर, एक बॉन्ड बन गया या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से ये बॉन्ड दिखा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे तो कार्बन का कार्बन के साथ हो गया और ऊपर किसी के साथ बनना है तो यहाँ पे बनता रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे शो कर देती हूँ मैं। ये देखो स्टूडेंट्स, अभी इसके बारे में वरी होने की जरूरत नहीं है कि मैडम ने ये कैसे बना दिए, मेरी जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस आएगी मैं ये सारा आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से ये कार्बन के एलिमेंट्स ये कंबाइन होके, अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है C2H6 तो ये किस तरीके से लिखूंगी मैं, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मुझे पता चलेगा शेयरिंग करना, ये मैं पूरा सिखाऊंगी। जस्ट अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। तो थ्री टाइप की चेन बनती है, कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं ये, तो इस टाइप की ये स्ट्रेट बनने दे, इसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रेट चेन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट चेन। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरे में होगा ब्रांच, ब्रांच कैसे, जैसे एक कार्बन दो कार्बन कितने भी कंपाउंड्स बना सकते हैं, कार्बन कार्बन है, लेकिन उसमें ये स्ट्रेट जाने की जगह पर एक कार्बन बीच में से नीचे निकल कर आ जाए, ऐसे कहीं पे भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि सेकंड नंबर वाली कार्बन पे, हो सकता है ये यहां जुड़ जाए यहां पे कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, बट स्टार्टिंग में और एंडिंग में नहीं लगाना, कोई कितने भी कार्बन हो, कार्बन के एटम्स स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये चेन नहीं जुड़ सकती, ऐसे स्टार्टिंग में या फिर यहां एंडिंग में नहीं जुड़ सकती। इसके भी ये मैं सारे सिखाऊंगी, आप इसके बारे में भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार समझ लो। तो ब्रांच का कैसे हो गया, चाहिए आप यहां निकाल दो एक कार्बन, ठीक है, तब इसके भी ये तीन, देखो इस कार्बन के कितने होने चाहिए, चार बॉन्ड होने चाहिए बेटा, 1, 2, 3, 4। अब इस कार्बन का देखो, एक बॉन्ड तो यहां है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस कार्बन का देखो, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया कोवलेंट बॉन्ड, तो एक और एक और दो। इस कार्बन का देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इस कार्बन के साथ दूसरा यहाँ गया, तो इस तरीके से इस कार्बन का एक यहाँ, एक दो तीन चार, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच। लेकिन अगर ये तीसरा वाला बेटा रिंग, या इसको हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हो आप, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये है स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये क्या है, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और तीसरा जो है रिंग बोल दो, या मैंने तीसरा आपको क्या बताया है, क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स, क्लोज्ड या साइक्लिक भी बोल सकते हो, क्लोज बोल दो या साइक्लिक वे में, एक साइकिल के रिंग में, तो साइक्लिक वाले के लिए यहां है जगह नहीं, इसलिए मैं रब कर रही हूं यहां पे आपको। तो साइक्लिक में देखो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो इसको ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, इस तरीके से आप कितने भी कार्बन ज्वाइन करके, लेकिन वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक रिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, तो आप यहाँ पे, आप इस कार्बन के चारों तरफ चार इलेक्ट्रॉन, चार बॉन्ड होने चाहिए ना, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, तो तीसरा और चौथा यहाँ लगा दिया। इस कार्बन का एक और दो बॉन्ड तो यहाँ पे है ही, तो दो बॉन्ड इनके साथ, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन के साथ कर लिया, तो अब इसके दो इलेक्ट्रॉन्स रह गए यहाँ पे, तो दो यहाँ पे किसी और के साथ
कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया साइक्लिक वे में, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स साइक्लिक। मैं भी कह रही हूं कि सिर्फ आप समझते जाओ कि ब्रांच क्या है, क्लोज्ड क्या है, स्टेट क्या है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं यही समझाऊंगी आपको कि किस तरीके से ये साइक्लिक बनती है, ये चेन मैंने कैसे बना दी। अब मैं इसमें आपको कहूंगी कि मिथेन की चेन बना के दिखाओ, ऐसे मुझे मिथेन की, तो आप कैसे बनाओगे मैं वो सारी सिखाऊंगी। नेमिंग कैसे देते हैं, इसका क्या नाम हुआ, वो भी हम लर्न करेंगे। तो ये सब हम लर्न करेंगे, सीखेंगे, और ये आपकी स्टार्टिंग है। आज से पहले आपने ये चीज कभी नहीं सीखी, जैसे नर्सरी में आपने अल्फाबेट सीखे थे ABCD, आपको नहीं आता था कि ये और इस तरीके से कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं। आप ये सोचते थे एक डंडा इस साइड, एक डंडा इस साइड और एक डंडा इस साइड लग गया, ये ठीक है स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके से बन गया, तो ये कैसे बने। तो उसी तरीके से ये भी आप सीखोगे क्योंकि न्यू आपके लिए ये सारा, तो ये आपको आने वाले टॉपिक्स में हम वीडियोज में करेंगे। तो आपको ये चेन समझ आ गया, कैटिनेशन वाला समझ में आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरा क्या है हमारा टॉपिक। सो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, फोर, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो लास्ट में कार्बन के, फोर। जैसे हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, सिक्स है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हुई, टू एंड फोर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हुई कार्बन की, टू एंड फोर। सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फोर, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई, फोर। सो टेट्रा वैलेंसी, सो टेट्रा वैलेंट बोल दो, टेट्रा वैलेंसी यानी फोर वैलेंस। सो लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड्स। अब लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कार्बन कंपाउंड्स के, इसीलिए स्टूडेंट्स एक कार्बन एटम कैन कंबाइन विथ अदर कार्बन एटम एज वेल एज एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ तो कंबाइन हो रहा है, साथ साथ में अदर एलिमेंट्स के साथ भी ये कंबाइन हो सकता है। अदर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे CHCl3। तो ये क्या हो गया, ऐसे देखो C, ये कार्बन, इसको माला करके लिख रही हूं CHCl3। तो यहां पे ये एक H लग गया और दूसरा इसके साथ क्या लग गया, ये सारा क्लोरीन। ये तो देखो मैंने क्या बताया, इसकी फोर वैलेंसी के कारण टेट्रा वैलेंट हो गया। तो फोर वैलेंसी के कार्बन, एक वैलेंसी के कारण एक कार्बन खुद के साथ तो कंबाइन हो रहा है एज वेल एज अदर एटम्स के एलिमेंट्स के एटम्स। सो अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी ये कंबाइन होके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। सो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनने का रीजन क्या है, दूसरा पॉइंट है टेट्रा वैलेंसी। तो यहाँ पे अदर एटम्स, अदर कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स है जो इनके साथ कंबाइन होके कार्बन कंपाउंड्स बना रहे हैं। सो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आई होप इट इज क्लियर है। तो एग्जाम में अगर टू मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द रीजन दैट कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने का क्या रीजन है, तो एग्जाम में अगर ये टू मार्क्स में बहुत बार आता है तो उसके दो ही रीजन देने हैं, नंबर वन कैटिनेशन और दूसरा है टेट्रावेलेंसी या टेट्रावेलेंट। ठीक है, तो कैटिनेशन की डेफिनेशन लिख दो और वहां पे इसका बता दो, और यहाँ पे टेट्रावेलेंसी की ये बता दी हमने। तो इस तरीके से ये दो टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स अब हमने इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स टुडेज क्वेश्चन इज वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाज डिस्प्रूव्ड बाय, किसने डिस्प्रूव की थी, कि क्या नाम था बेटा उस साइंटिस्ट का, यू हैव टू टेल योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। सो वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वॉज डिस्प्रूव्ड बाय विच साइंटिस्ट,
ओके सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड माई कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द करेक्ट रिस्पॉन्स देखो जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है उन स्टूडेंट्स को मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़